हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय ओल्ड सेटअप। ये बहुत प्रॉपर है, बहुत इनकन्वीनियंट है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है। इसमें बाहर की अंदर की मिट्टी बाहर आती है, बाहर का बारिश का पानी अंदर आता है, गैप्स हैं, बिल्ली घुस सकती है, चूहे घुस सकते हैं। तो इसको हम लोग कम्प्लीटली रिनोवेट करेंगे, कम्प्लीट सेटअप करेंगे, पूरा स्लैब वर्क के साथ, सीमेंट के साथ, प्लास्टरिंग के साथ। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। हम लोग विल गिव यू ऑल द आइडियाज़ वी कैन गिव यू टू हेल्प यू। So now here the construction work has started, the brickwork has started, ventilation between two the cages have been done, pura upar slab padne hai, isko khadpa slab bolte hai. Size ki baat karun to iska width hai 3.5 feet, depth hai andar gehrai 4 feet aur height jo iski hai 3 feet hai. Asil chicken rakh rahe hain to height minimum 3 feet rakhiye. Asil chicken is the fighter chicken, isko male chickens ko do cages mein alag alag rakhte hain एंड क्योंकि ये बहुत अग्रेसिव होते हैं। सो यू कैन नाउ सी कि मतलब हाफ वर्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ब्रिक वर्क, वेंटिलेशन के गैप्स दे चुके हैं। नीचे आउटसाइड में छोटे जो ब्रिक्स देख रहे हैं आप, वो बाउंड्रीज हैं जहाँ ताकि अंदर की मिट्टी बाहर ना निकल सके, बारिश का पानी बाहर से अंदर ना आ सके। तो ये भी हो चुका है और हम नेक्स्ट प्लास्टरिंग करेंगे इसको। तो अभी प्लास्टर वर्क हो चुका है सीमेंट से और हम लोगों ने छोटे मोटे जितने भी गैप्स थे पूरे फिल कर दिए हैं स्लैब्स के नीचे और जो आजू बाजू जितने भी, ताकि अगर बारिश आए तो लीकेजेस कहीं से भी ना हो। अभी पता नहीं चलेगा लेकिन बारिश के समय बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऑलवेज डू द प्लास्टरिंग ऑफ होल्स। नाउ फॉर द गेट्स, व्हाट आई हैव डन इज, पैसे बचाने के लिए मेरे पास थोड़ा मेटल पड़ा हुआ था तो वही मैंने वापस पूरा कलेक्ट किया, साइजेस मापे और गेट्स की तैयारी स्टार्ट कर दी है। पहले नीचे के गेट्स डाल देंगे, फिर बचे मटेरियल में ऊपर गेट्स डालेंगे। सो हम लोगों ने नीचे के गेट्स डालना चालू किए हैं। लुक्स लाइक कि साइजेस ठीक पकड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ऊपर के केजेस के लिए अभी बड़ा सा एक मेटल शीट था, वी आर डूइंग दैट। मेटल से कीजिएगा, बहुत अच्छा है, बेटर दैन वुड, क्योंकि वुड फॉर अ टाइम ठीक है, उसके बाद ख़राब होने के बहुत चांसेस होते हैं। सो नाउ इट्स प्रॉपरली फिक्स्ड, अभी इसके लॉक्स डालने हैं बाकी हैं। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। और इसमें स्पेसिंग ऊपर ज़्यादा नहीं छोड़ा है ताकि चूहे बिल्ली घुस सके। और ये पूरा दीवार में एकदम वेल्ड किया हो गया ताकि एकदम स्ट्रांग रहे और कोई मतलब गेट बार बार ओपन क्लोज करने से हिल के ना टूटे। सो ये सब देखना पड़ता है, कल के दिन अगर गेट ज़्यादा यूज़ हुआ, एक टाइम काम करते हैं, गेट हिल के टूट भी सकता है। तो अभी देखिए, अब पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, हम लोगों का स्लैब्स पड़ गए, गेट्स पड़ गए, लॉक पड़ गया। अभी नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पे छोटे छोटे गैप्स लगाए हैं तो कि वी कैन पुट द फीड इनसाइड दिस हाउसेस। इट्स वेरी इनकन्वीनियंट ऑलवेज टू ओपन द कंप्लीट बिग डोर टू कीप द फीड, चिकन्स माइट जंप आउट ऑफ द विंडो समटाइम्स। सो वी हैव गिवन स्मॉल गैप्स एंड ऑल केजेस आर वेल क्लीन राइट नाउ विद डिसइंफेक्टेंट से क्लीन कर लिया है हम लोगों ने। अगेन लेट मी टेल यू, द विड्थ इज 3.5 फीट, डेप्थ इज 4 फीट एंड हाइट इज 3 फीट। इतनी तो स्पेस बहुत अच्छी होती है मिनिमम चिकन को अच्छा ग्रो करने के लिए। असील चिकन का सेटअप है ये कम्प्लीट माई फ्रेंड्स, फाइटर असील चिकन का सेटअप है जिसमें एक मुर्गा एक केज में ही रख सकते हैं, दो लड़ने से लड़ के मौत हो सकती है चिकन्स की। तो आप देख रहे हैं कैसे स्ट्रांग इसको एक वॉल माउंट किया गया है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी चोरी भी ना हो सके, कोई भी हिला के भी इजीली ना निकल सके इसको। नेक्स्ट इसको पेंटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या हाल है। ओके सो द चिकन कूप इज़ नाउ रेडी, पेंटिंग हो चुकी है, इसमें सैंड और मड भी डाल दिया है एंड इट्स रेन प्रूफ, समर प्रूफ, पूरा इसका इंतज़ाम हो गया है एंड नो प्रेडेटर्स कैन गेट इनसाइड। और वेंटिलेशन भी हो चुकी है इसकी। ये मेरे देसी पोल्ट्री का सेटअप है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए इन फ्यूचर। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, शेयर एंड लाइक एज मच एज पॉसिबल एंड डू लेट अस नो इन कमेंट्स कि व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस यू लाइक अस टू अपलोड एंड इफ देर आर एनी क्वेश्चंस। यू कैन सी दिस न्यू पेयर ऑफ असीम और पेयर्स इंट्रोड्यूस होंगे धीरे धीरे करके, एक साथ थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है हैंडल करने के लिए। सो एक एक करके मैं पेयर्स लाता जाऊंगा एंड अगेन यू नो द विड्थ इज 3.5 फीट, हाइट इज 3 फीट एंड डेप्थ इज 4 फीट। वेरी स्पेशियस एंड कंफर्टेबल, चिकन्स लव हैविंग स्पेस सो दैट दे ले एग्स वेरी फास्ट।
जितना स्पेशियस और वेंटिलेशन होगा चिकन उतने एग्स प्रोड्यूस करते हैं और हैचिंग रेट भी अच्छा रहता है बिकॉज दे आर कम्फर्टेबल। एक और चीज़ ऐड करना था, रूस्टिंग बार ऐड करना है प्रॉब्ली। आई जब एक कारपेंटर या मैं ही खुद टाइम मिले तो एक रूस्टिंग बार डाल दूंगा अंदर, क्योंकि चिकन्स लव टू सिट ऑन रूस्टिंग बार्स एंड उनके लेग्स भी एकदम स्ट्रांग होते हैं रूस्टिंग बार के ऊपर बैठने के बाद। सो कीप वॉचिंग आर वीडियोज, लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। यू आर वॉचिंग चिकन आइडियाज एंड माई नेम इज सैफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे, टेक केयर, बाय बाय।